हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाद। तो भाई साहब, आज हम करने वाले हैं कादिर खान मूवी के बेस्ट एपिक कॉमेडी सीन्स पर रिएक्शन। तो बहुत ही डिमांड आ रही थी कि कादिर खान के लिए भाई साहब हाँ, कॉमेडी सीन्स लेकर कादिर आओ। खान ने हमने बहुत कम किए, मेरे ख्याल से ओपे इक्का नहीं दुक्का कोई किए किए हैं। मतलब, हाँ ना होने के बराबर हाँ, ही है। तो वॉच करते देखते हैं काफी भाई साहब, लेजेंडरी एक्टर हैं ये कसम भी से कॉमेडियन भाई में। यार, वॉच करते हैं, कड़ान करते स्टार्ट। आए 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 आज हमने कादिर खान। ये तो कुछ वो नहीं लग रहे हैं, टायरों वाली होती है। हाँ भाई साहब, क्या है? मैं ये दो टुकड़े ले लूं? अबे घोचू, तुझे ये दो टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। क्या? इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ। कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए के? 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंचर कर दिया है और अंदर जाकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। ये फ्री के लेने में किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र कमा दी कमाने में पैसा, और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती है और रेडिया रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये दो टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये दोनों टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा। हो अनसोल लगवाने को आए और तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? मतलब जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा लेकिन पैसे लगेंगे। हो पैसे? लगता है इसकी भी खैर नहीं है। जूता बना के देता ही, अब मैं फिर से मदारी बन जाऊंगा। अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन, मैं तुझे समझाता हूँ। इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है, तब तक बंदा पागल हो जाता है। डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि लोहे की गाड़ी है, आता ना जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो इंजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं? चल डैडी। चल मेरे बालू चाहिए। हम कहा नहीं आ, मैं बैठा के बैगन वहावे चल जाए। हम कहा नहीं आ, मैं बैठा के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है और या सरिया, मोरा बैल है तेज, हमरे बैल पर हो सवार हो भैया, चल बैगन के खेत। हम कहा नहीं आ, मैं बैठा है के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है? हट जा सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? अंदर माल की मजदूर लाने के लिए कहां पहुंचाने जा रहे हैं? बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए क्या? रिश्वत में दूध? अगर हम तो अंदर जाएंगे तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा क्या? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? गौसी। गौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी। हम हंडिया के हैं। ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। ये बना हुआ जो ऐसे मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। अल्लाह मालिक होती है। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? बहुत कमाल की चीज है। देखा है? समझते हो कि नहीं? जी के सामने ही बोल रही।
कमाल का फिगर वहां उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ प्यार अच्छा है। अरे, हाँ? अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे, वो हमारा डिपार्टमेंट है। क्या भरतनाट्यम कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। ये भारी पड़ेगा। अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई, ये देखो हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत संतरी को बताने की कोशिश कर रहे, खाली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गाँव खेड़े के आदमी हमारा इतना काम कर ही दो, उसको चिट्ठी पहुँचा दो यार। पहुँचाए थे तो अब देखो हम किसको कहाँ पहुँचाते। दादी दादी, ये तुमको डैडी डैडी कहे को बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? और ये क्या है? ये वो छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटी तू खाम खा नाराज हो रही है। दरअसल मैंने भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या? हाँ माँ, मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए थे। खाली है नहीं लगते, नहीं है वो गड़गड़। मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। पानी डाल के लाए। जरा वापिस चला तू, चल 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 चल, रखो इधर, तुम जाओ जरा हवा खा के आओ। अब इधर क्या करेगा भाई साहब, आप जरा चलेंगे जरा घर की बात। क्या है भाई मेरा दीवाला खसकाओगे, ये इतना बड़ा बड़ा पैक बना के दे रहे हो, क्या नहलाओगे लोगों को? सर लोग मांग रहे हैं तो मैं क्या करूं? लोग मांगेंगे तो क्या पूरा बार उठा के दे दोगे? यहाँ ये विस्की, जिसने ज्यादा नहीं चूस की उसकी जिंदगी दुनिया से किसकी? लगता है इसकी जी, इसको ज्यादा पीने से हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, किडनी फ्लॉप हो जाती है, गुर्दे फ्लॉप हो जाते हैं, दुनिया की हर बीमारी हो जाती है। ज्यादा पीने के बाद सड़क पे जाके बेहोश हो जाता है, घर जाके बीवी बच्चों को मारते हैं, बीवी बच्चे उसको मारते हैं। विस्की दुनिया में बदनाम हो जाएगी, लोग फिर विस्की से ऐसे डरेंगे जैसे प्लेग से डरते हैं। तो क्या चाहता है विस्की दुनिया में बदनाम हो जाए? बस कीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। अब आप बताइए मैं क्या करूं? बैठ करो और क्या करोगे? नहीं सर, मेरा मतलब है कोई विस्की मांगे तो मैं क्या करूं? हां काम करो, कोई फुल पैक मांगे उसको आधा पैक देना, और जो आधा पैक मांगे उसे उसको खाली सोडा देना, पानी मिला वो भी सोडा पानी मिला के। अबे भाई साहब ये क्या, वो कंजूसों में कंजूस निकला, वो कादर खान हो यार। ओ भाई, भाई अच्छा ये शुरू में जब रोड पे आ रहा था मुझे लगा था ये गरीब है, जिस तरह की हालत बनी हुई थी, सेम टू सेम गरीब ही लग रहा था खुराम। लेकिन भाई उसको भाई साइकिल वाले को वो ट्यूब जो ली थी, ट्यूब ली ट्यूबों के पास भाई साहब, वही ना भाई, वो ट्यूब तो पहले कहता 5 रुपए की दूंगा, उस आगे जो उसने भाषण दिया ओए होए होए भाई, अगला पागल हो गया, कहता जाओ मेरे बाप ले जाए इसको फ्री में। जूते वाले के पास गया, जूता वाला भाई साहब कहता पैसे लगेंगे भाई साहब, मदारी बनना पड़ेगा। फिर वो दूसरा आ जाता है ट्यूब वाला, कहता छोड़ यार जा, कहता इसको बता दे नहीं तो मदारी बनना पड़ेगा मुझे। कहता भाई साहब इसको काम कर दे, भाई मैं तुझे समझाता हूँ लेकिन इससे मदारी ना बनने दे। लेकिन भाई ये दूसरों को चूना लगाता है, गोविंदा इसको चूना लगा के उसके घर को सब उसको कहता है मालिका का, कहते हैं कहते चल माली, कहता है उसके माले का कहता नहीं बाहर गया, कहता है उसकी बेटी यहाँ अंदर है, कहता बड़ा टाइट माल है, दिल करता उठा के ले जा बंदा और वहां पे ये के कर दू। हाँ वही ओ भाई, उसका पिता होता उसके सामने सारी पोल खोल रहा होता है। कसम से और जब कहता है यार मैं भी तेरी माँ के लिए जाता था तो कुछ लेकर जाता, तो ये तो पूरा दूध का डब्बा दे गया, देखता तो अंदर पानी होता। कहता मैं समझा मैं 420 तो सही 840 निकला। और जो शराब वाले को इसने लगाया, शराब वाले की धज्जिया उड़ा दी इसने, पता नहीं किडनी कमजोर होते हैं, फलाना होता है, फलाना होता है, मर जाता है बंदा, कभी क्या होता है, कैसा बस कर दे भाई साहब। और अब मुझसे नहीं होना भाई, कसम से भाई यार बहुत मस्त कादर खान की मस्त एक्टिंग थी यहाँ पे, लेवल फ्रॉम लेवल, यानी कि दोनों को तो सही पकाया उसने। और वो बेचारा जूते वाला बच गया था क्योंकि वो ट्यूब वाला आ गया था, नहीं तो उसकी भी खैर नहीं थी भाई साहब। उसको भाई साहब वो बेचारा, मैं कहता वो तो गया था भाई, मजा आया सीन देखकर भाई साहब। आपको कैसा लगा ये सीन, इधर ही विडो दम करते तो